नमस्कार। YouTube चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाय आरपी व्यास एवं टीचमेंट ऐप की ओर से मैं आरपी व्यास यानी राजेंद्र भैया जी डिप्लोमा फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर के उन सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं जिनको अपने इस सब्जेक्ट को 2001 यानी कि मैथ सेकंड के अंदर बहुत अच्छी तैयारी करके ए प्लस ग्रेड लेके आने के लिए सिस्टमेटिक वे में पढ़ना जरूरी है, जो मैं आपके लिए काम करूंगा पढ़ाने का। हम आज मैट्रिक्स की शुरुआत कर रहे हैं, यूनिट वन। मैंने इस मैट्रिक्स के चैप्टर को तीन भागों में बांटा हुआ, वन ए, फिर वन बी, फिर वन सी। वन ए का मतलब मैट्रिसेस, वन बी का मतलब डिटरमिनेंट्स, वन सी का मतलब इनवर्स मैट्रिक्स एंड इक्वेशंस। और इसी प्रकार से मैं हर चीज को समझाऊंगा। पहले शुरुआत जब करेंगे तो बहुत ही बेसिकली हम पढ़ेंगे, फिर हम प्लांट वे के अंदर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आपके लिए अलग से एक्सरसाइज बनाएंगे जिसमें एग्जाम के क्वेश्चन भी शामिल होंगे। शुरुआत करते हैं। देखिए, आज हम इस वीडियो में इन चार पॉइंट पर डिस्कस करेंगे मैट्रिसेस के। पहला, मैट्रिक्स का अर्थ क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग। दूसरा, मैट्रिक्स में अवयव क्या होता है, व्हाट इज एलिमेंट्स। तीसरा, मैट्रिक्स का क्रम क्या होता है, व्हाट इज ऑर्डर। चौथा, मैट्रिक्स के प्रकार क्या होते हैं, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। अब जो मैट्रिक्स के प्रकार हैं वो कुल मैं आपको नौ प्रकार की मैट्रिक्स समझाने वाला हूँ आज। ये छोटी छोटी बातें हैं, आपको ध्यान रखनी चाहिए। पहला, पंक्ति मैट्रिक्स जिसे कहते हैं रो मैट्रिक्स। दूसरा, स्तंभ मैट्रिक्स जिसे कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। तीसरा है वर्ग मैट्रिक्स जो है स्क्वायर मैट्रिक्स, इंग्लिश में कह रहे हैं। फिर है शून्य मैट्रिक्स जो है नल मैट्रिक्स। फिर है विकर्ण मैट्रिक्स जिसे कहेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। फिर है अदिश मैट्रिक्स जिसे कहेंगे स्केलर मैट्रिक्स। फिर कहेंगे इकाई मैट्रिक्स जिसे कहेंगे यूनिट मैट्रिक्स, जिसे हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद हम बोलेंगे ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स यानी कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये मैंने सिंबल बना दिया है, जैसे कोई स्क्वायर होता है, इसका ये डायगोनल है, इसके ऊपर ऊपर का मामला भरा हुआ है, ये ट्रायंगल दिख रहा है, यानी कि ये एलिमेंट्स होंगे, बाकी सब जीरो होंगे। फिर है निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स यानी कि लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो इसमें जो होगा, ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स होती कोई, जिसका ये डायगोनल है, इसके नीचे एलिमेंट्स सब भरे होंगे, ऊपर सब खाली होंगे, यानी जीरो जीरो होंगे, ऑल एलिमेंट्स है। मैं समझाऊंगा अभी आपको। तो कुल मिला के नौ प्रकार के मैट्रिक्स हैं। अच्छा, खास बात क्या है कि इन नौ प्रकार के अंदर ये जो मैंने एरो मार्क किए हैं, आप देख रहे जरा, यहां से नंबर तीन क्या था, वर्ग मैट्रिक्स। तो ये जितने मैंने लिखा है, जैसे नंबर पांच, नंबर छ, नंबर सात, नंबर आठ, नंबर नौ, यानी कि जो मैट्रिक्स के प्रकार हैं उनमें पांचवा, छठा, सातवां, आठवां और नौवां, ये सभी वर्ग मैट्रिक्स ही हैं, कुछ विशेष प्रकार के। हालांकि वर्ग मैट्रिक्स यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स इन जनरल हम आपको समझाएंगे अभी थोड़ी देर में, पर ये स्क्वायर मैट्रिक्स के स्पेसिफिक फॉर्म्स हैं, यानी कि वर्ग मैट्रिक्स जो होता है स्क्वायर मैट्रिक्स, उसके विशेष रूप हैं। कौन से? डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब मैं इस वीडियो के अंदर आपको शॉर्ट में समझाऊंगा सबसे पहले अर्थ। देखिए, पहले तो बताते हैं मैट्रिक्स का अर्थ क्या होता है, मीनिंग। देखिए, मैट्रिक्स जो है, एक बात अच्छे से समझ लीजिए आप, एक तो मैट्रिक्स की कोई वैल्यू नहीं होती है, देयर इज नो एनी वैल्यू ऑफ ए मैट्रिक्स। मैट्रिक्स इज जस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इन रोज एंड कॉलम्स। हम जो आंकड़े होते हैं, आंकड़े डाटा जो होते हैं, उनको पंक्तियों और स्तंभों में व्यक्त करते हैं। वी रिप्रेजेंट डाटा इन रोज एंड कॉलम इन ए रेक्टेंगुलर एरे। तो देखिए, हमने क्या किया,
जैसे एक पहले हमने स्क्वायर ब्रैकेट बनाया, बड़ा कोष्ठक होता ना, एक तो मैट्रिक्स को हमेशा ऐसे लिखते हैं बड़े कोष्ठक में, आप मैट्रिक्स को अगर ऐसे लिखेंगे ना छोटे कोष्ठक में ये गलत होगा, अगर मैट्रिक्स को आप मझले कोष्ठक लिखेंगे ना कर्ली ब्रैकेट में वो भी गलत होगा, मैट्रिक्स को हमेशा इस प्रकार के स्क्वायर ब्रैकेट में यानी बड़े कोष्ठक में ही लिखा जाता है। अब जैसे मान लीजिएगा A11, A12, A13 करते करते हमने मान लीजिए A1N कर दिया, फिर यहाँ A12, फिर नहीं इसको A21 कहेंगे, ये पहले रो है ना, ये दूसरी रो होगा, इसको A21 कहेंगे, सॉरी A21 कहेंगे, इसको कहेंगे A21, A21, A22, A23 करते करते यह आएगा A2N, फिर A31, A32, A33 और करते करते A3N, और यूं बढ़ते बढ़ते हम आखिर में जाएंगे AM1, ये अब लिख देते इसको 21 सूख गया, ये AM1, AM2, AM3 और आखिर में AMN। ध्यान दीजिएगा ये मैंने जो लगाया सफिक्स प्रतीक चिन्ह जो लगाया है 1-1, क्या होता है इन जनरल हम कई बार कहते हैं AIJ यानी कि एलिमेंट विच बिलोंग्स टू ith रो एंड jth कॉलम, वो सदस्य या वो अवयव जो ivth पंक्ति और jth कॉलम से संबद्ध है यानी जुड़ा हुआ है, यानी वो जो इधर देखिए ये रो है, ये पंक्ति कहलाती है, इट इज रो रो रो, इस प्रकार से ये हो गई आपकी पहली रो R1, R मतलब रो, उनका मतलब पहली, इट इज फर्स्ट रो, पहली पंक्ति है, जैसे कोई अपन जमाते ना किसी को सिस्टमेटिक वे के अंदर कि भाई पंक्तियां बनाओ कॉलम्स बनाओ, योद्धा जब लड़ने जाते हैं सिपाही जब मैदान में तो उनके भी रोज रोजन कॉलम बनते हैं, किसी को सिस्टमेटिक वे में जिमन हो बड़ा कोई सह भोज हो तो वहां भी रोज इन कॉलम से बैठाते व्यक्तियों को जिमने वालों को, ये एक तरह का उसी प्रकार का सिस्टम है, अरेंजमेंट है Row 1, ये Row 2, ये Row 3, यू करते करते ये Row M, ये M भी, अब M की वैल्यू 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी हो सकती है, आप देखेंगे ये जो पहली रो है ना इसमें सब में पहला सफिक्स वन ही मिलेगा, तो ये 1, 1, 1, 1, दूसरी रो है 2, 2, 2, 2, एमवी रो है एमवी, अब एम 8, 9, 10 कुछ भी हो सकता है, तो एम 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 इस प्रकार से, ये जो आप देख रहे हैं ये वाला, ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम और करते करते ये एनवा कॉलम स्तंभ, देखो ये पहला स्तंभ, ये दूसरा, ये तीसरा, ये करते करते ये एनवा, इट इज फर्स्ट कॉलम, इट इज सेकंड कॉलम, इट इज थर्ड कॉलम, इट इज nth कॉलम, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, mth रो, यानी रो कितनी हो गई इसके अंदर m, कॉलम कितने हो गए n, तो हम कहेंगे
इसका जो ऑर्डर है मैट्रिक्स का वो m इंटू n है। अभी आपको मैंने जो यहाँ पे सिखाया था ना क्रम, क्रम हो गया ऑर्डर। ऑर्डर कैसे निकालते हैं, रो कितनी है, कॉलम कितने हैं, उसके हिसाब से ऑर्डर तय होता है। रो है मान लीजिए 4, कॉलम है 3, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा 4/3 यानी कि 4×3। अवयव एलिमेंट मैंने समझा दिया आपको, अर्थ मैंने बता दिया आपको, प्रकार की बात करेंगे। अब जैसे हमने कह दिया ये कोई एलिमेंट है मान लीजिए कि ये A32, मान लीजिए A32 का मतलब क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ A32। यहां I कितना है, 3। I किसको शो करता है, रो को, J कॉलम को। I कितना है, 3, और J कितना है, 2। यानी वो एलिमेंट जो तीसरी रो और दूसरे कॉलम में आता है उसको कहेंगे A32। ये देखो A32 दिख गया आपको, कौन सी रो है, तीसरी, देख लो आप, ये पहली दूसरी तीसरी है कि नहीं है, कॉलम कौन सा है, दूसरा, देखो पहला दूसरा है कि नहीं है। मेरे ख्याल से आपको ये जो 3 पॉइंट है मैट्रिक्स के अंदर जो मैंने आपको बताया कि मैट्रिक्स का मीनिंग क्या होता है, मैं फिर बोल देता हूँ, मैट्रिक्स इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इन रोज एंड कॉलम, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इन रोज एंड कॉलम इन ए रेक्टेंगुलर एरे। अवयव रोज एंड कॉलम जो है इसके, उसमें जो मेंबर्स होते हैं वही अवयव कहलाते हैं। क्रम m इंटू n, अगर m नंबर ऑफ रोज है, n नंबर ऑफ कॉलम्स है, ये सारी बातें अपन सीख चुके हैं। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल लेता हूं, कोई मैट्रिक्स ए है मान लीजिए 2, 7, -5, 3, 1, 8। मैट्रिक्स को हमेशा कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, इस बात को पक्का समझ लीजिएगा। मैट्रिक्स इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर्स, ये पक्का ध्यान रखो। कभी भी आप उसको स्मॉल लेटर से, आपने क्या ए कर दिया, बी कर दिया, ये गलत हो जाएगा। मैट्रिक्स हमेशा करेंगे कैपिटल ए से, कैपिटल बी से, कैपिटल सी से, इस प्रकार से। तो मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से ही रिप्रेजेंट किया जाता है, इस बात को पक्का ध्यान रखें। ये मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, रो कितनी है, 1, 2, कॉलम कितने हैं, 1, 2, 3, तो ये 2/3 का हो गया। ये कौन सा मेंबर है, ये वाला 8 जो है वो क्या है, 8 है दूसरी रो और तीसरा कॉलम, तो इसको कह सकते हैं 8, 2, 3, समझ गया ना। ये जो 8 है ये है 8, 2, 3, वो एलिमेंट जो दूसरी रो और तीसरे कॉलम है, दूसरी रो दूसरी और कॉलम तीसरा, इसी प्रकार से अपन बाकी सबको डिफाइन कर सकते हैं। ये सारी बातें जो है आपको मीनिंग, उसके बाद में एलिमेंट एंड जो क्या कहते हैं इसको ऑर्डर, तीनों बातें मैंने आपको सिखा दी है 1, 2 एंड 3। ये 2 एलिमेंट हो गया और ऑर्डर हो गया, वो 3 हो गया, नंबर 3 है ना, वो इसका ऑर्डर हो गया m इंटू n का, ये मैंने बताया ना, ये इट इज ऑर्डर। अब बात करते हैं अपन नंबर 4, प्रकार। नंबर 4 देखिए, सबसे पहला जो मैंने बताया था आपको वो है रो मैट्रिक्स, फिर कॉलम मैट्रिक्स, फिर स्क्वायर मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स खास बात क्या है,
only one row, only one row, एक ही पंक्ति होगी, एक ही पंक्ति होगी, no any restriction, no any restriction on number of columns, स्तंभों की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है, कितने भी हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये मैट्रिक्स है 5, 7, 2, ये वाला रो एक है ना, लेकिन कॉलम कितना है 3, तो ये 1/3 का हो गया। एक और बात ध्यान रखें, कई स्टूडेंट बीच में कॉमा लगा देते हैं जो नहीं लगाना है, कभी भी नहीं लगाना है, और इनके बीच में गैप जरूर रखना है। आपने कभी ऐसे लिख दिया इसको 5, 7, 2, फिर तो बड़ा गलत हो जाएगा। वैसे इसका मीनिंग है ये 1/1 का मैट्रिक्स है, आप इसको फिर ये नंबर बोलेंगे 5, 7, 2, ये 572 बोलेंगे 572, यानी एक ही एलिमेंट है 572, तो एक ही रो है, कॉलम फिर एक ही होगा, ये फिर अलग अलग कॉलम में नहीं है। अलग कॉलम कैसे पता पड़ेगा, जब आप इनके बीच में गैप दोगे, गैप होना जरूरी है, बहुत जरूरी है, अगर आपने गैप नहीं छोड़ा गलत हो जाएगा। मान लीजिए 7, 9, 8, 4, 5 ये है, रो तो एक ही है, कॉलम 1, 2, 3, 4, 5, तो 1×5। हम कह सकते हैं कि रो मैट्रिक्स वो होता है जिसमें रो तो एक होती है, कॉलम कितने भी हो सकते हैं, इन जनरल हम कह सकते हैं 1×m। अगर मैं n कह दूं ज्यादा अच्छा हो गया, मैंने यहाँ m n कहा था ना, m×n, तो इसको 1×m की जगह इसको 1×n कर देते हैं, समझने में आसानी होगी आपको। इन जनरल हम कह सकते हैं कि जो मैट्रिक्स है, कौन सा रो मैट्रिक्स, उसको हम कह सकते हैं इन जनरल 1×n, 1×n, रो तो एक है और कॉलम n है। ये हो गया आपका चौथे का पहला। अब लेते हैं चौथे का दूसरा, क्या है, कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स में क्या होता है कि ओनली वन कॉलम बट नो एनी रेस्ट्रिक्शन, on number of rows, पंक्तियों की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है, कॉलम एक ही होगा, यानी उसको इन जनरल कह सकते हैं अपन m×1, कॉलम एक ही है, रो m कुछ भी हो सकता है, रो कोई प्रतिबंध नहीं, कॉलम लेकिन एक ही होगा। मैं आपको छोटा एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए एक मैट्रिक्स ही देखिए आप 1, 2, 7, एक ही कॉलम है, रो कितनी है 1, 2, 3, तो 3/1 का हो गया। एक और एग्जांपल लेते हैं, -9, -7, 8, 0, 2, रो कितनी है 1, 2, 3, 4, 5, कॉलम एक ही है ना, तो 5/1, आप देख रहे हैं ना, 3/1, 5/1, इन जनरल m/1। अगर कोई कॉलम, जैसे कभी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाए कि किसी कॉलम का सॉरी किसी मैट्रिक्स का क्रम, इफ ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स इज m/1 देन इट इज कॉल्ड एज, आप क्या आंसर लिखेंगे, कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है ना। अगर कभी लिखा आ जाए इफ ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स इज 1/n, व्हाट इट मींस, आप कहेंगे रो मैट्रिक्स, क्योंकि पहले वन आ गया ना तो एक रो है, बाद में बनाया तो एक कॉलम है। ये हो गई बात आपके रो और कॉलम मैट्रिक्स की। आगे चलते हैं चौथे का तीसरा क्या है,
तीसरा इसमें आ रहा आपकी वर्ग मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है कि एम और एन बराबर होते हैं, जितनी रो उतने कॉलम, दो रो दो कॉलम, तीन रो तीन कॉलम, चार रो चार कॉलम, यानी कि नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। कोई पूछे आपसे कि भाई स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, भाई जो रो और कॉलम बराबर हो उसको कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स या वर्ग मैट्रिक्स। जैसे आप देखेंगे ये ए बी सी डी इस प्रकार के चार एलिमेंट आ गए, ये टू बाई टू का हो गया स्क्वायर मैट्रिक्स है। मान लीजिए 1 2 7 9 3 1 8 5 0 ये एक मैट्रिक्स है, तीन रो हैं तीन कॉलम है, 3 बाय 3 का है स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब यही होता है जो मैंने आपको बताया, नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। अब आगे देखिएगा स्क्वायर मैट्रिक्स की बात में आ रहा है शून्य मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स देखिए, शून्य मैट्रिक्स जो है बड़ा विशेष प्रकार का है जिसमें, अच्छा किसी शून्य मैट्रिक्स का स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी नहीं है, किसी भी क्रम का हो सकता है, किसी भी क्रम का हो सकता है, किसी भी ऑर्डर का हो सकता है, लेकिन सारे एलिमेंट जीरो होंगे। यानी सिंपल सी बात क्या है कि ऑल एलिमेंट्स आर जीरो। हम कह सकते हैं कि ए आई जे इज इक्वल टू जीरो और ऑल आई एन जे, कोई सी रो हो कोई सा कॉलम हो एलिमेंट जीरो ही होगा। हम नल मैट्रिक्स को सिंबॉलिक फॉर्म में ऐसे कह सकते हैं, ए स्टैंड्स फॉर एलिमेंट, उसका अवयव, किसी भी रो का किसी भी कॉलम का, लेकिन फॉर ऑल आई एन जे, कोई सी भी रो हो कोई सा भी कॉलम हो एलिमेंट तो जीरो ही होगा। जैसे मान लीजिए ये 0 0 0 0 0 0, इसे कहते हैं नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स में ऐसे ओ लिख देते हैं, ओ कैपिटल ओ, ये दो रो है तीन कॉलम है। तो इसको मैंने ओ वन कह दिया। अब ओ टू है मान लीजिए दूसरा नल मैट्रिक्स है, जिसमें मान लीजिए हमने कह दिया 0 0 0 0 0 0, इसमें तीन रो हैं, कॉलम दो है, 3 बाय 2 का है, ये भी आपका नल मैट्रिक्स है जिसको हम कैपिटल ओ लिखते हैं। मैंने दो क्यों कहा है कि जो नल मैट्रिक्स नंबर 1 है और नल मैट्रिक्स नंबर 2 है ये बराबर नहीं है भाई। आप ऐसा ना समझ लें कि अगर कोई नल मैट्रिक्स है तो किसी दूसरे नल मैट्रिक्स के बराबर होगा, इट इज नॉट करेक्ट। मैट्रिक्स के बराबर होने के लिए पहली शर्त क्या है, नंबर ऑफ रोज उन दोनों मैट्रिक्स में बराबर होने चाहिए और नंबर ऑफ कॉलम्स भी बराबर होने चाहिए, तभी हम दो मैट्रिक्स की तुलना कर सकते हैं। जितनी अगर हमें इन दो मैट्रिक्स को कंपेयर करना है तो उनके रोज और कॉलम्स बराबर होने जरूरी है, ठीक है ना। है तो ये भी नल मैट्रिक्स, वो भी नल मैट्रिक्स, कहेंगे तो नल मैट्रिक्स यानी कि शून्य मैट्रिक्स, लेकिन ये बराबर नहीं है क्योंकि इसका ऑर्डर 2 बाय 3 का है, इसका ऑर्डर 3 बाय 2 का है। ये हो गया आपका नल मैट्रिक्स। उसके बाद हम बताते हैं आपको विकर्ण मैट्रिक्स। ये पांचवा डायगोनल मैट्रिक्स,
डायगोनल मैट्रिक्स। देखिए विकर्ण मैट्रिक्स में क्या होता है कि आप एक बार समझते होंगे ज्योमेट्री के अंदर, जैसे ये स्क्वायर है ए बी सी डी, इसके दो विकर्ण हैं डायगोनल, एक ये और एक ये। और हम जब बात करते हैं ना स्क्वायर मैट्रिक्स की, हम हमेशा इस डायगोनल को विचार, इस पे विचार करेंगे, ये वाला, ऐसे भी नहीं करेंगे, बीडी भी करेंगे। इसे कहते हैं प्रिंसिपल डायगोनल या मुख्य विकर्ण। ये जो बीडी है इसे कहते हैं प्रिंसिपल डायगोनल, मुख्य विकर्ण। ये वाला इसलिए तो ऑफ डायगोनल, ये हमारे काम नहीं आएगा, हमारे काम ये आएगा प्रिंसिपल डायगोनल, मुख्य विकर्ण। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स। पहली बात ये समझिएगा कि अब मैं जितने भी मैट्रिक्स बोलूंगा वो सारे स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके प्रिंसिपल डायगोनल के जितने भी एलिमेंट्स हों वो जीरो नहीं हो, बाकी सब जीरो हों। इसके लिए अपन ऐसे कहेंगे, हम कह सकते हैं इसको ए आई जे, ए आई जे इज नॉट इक्वल टू जीरो इफ आई इज इक्वल टू जे। जैसे दूसरी रो दूसरी कॉलम, तीसरी रो तीसरा कॉलम, चौथी रो चौथा कॉलम, पहली रो पहला कॉलम, ये होता है प्रिंसिपल डायगोनल के लिए एलिमेंट्स, वो जीरो नहीं होंगे अगर आई जे बराबर है तो। बाकी जो आई ए आई जे वो जीरो होगा इफ आई इज नॉट इक्वल टू जे। समझाता हूँ आपको, देखिए मैंने लिख भी दिया यहाँ पे, ए आई जे जीरो होगा अगर आई नॉट इक्वल टू जे है ना, ए आई जे इज इक्वल टू जीरो इफ आई नॉट इक्वल टू जे, और ए आई जे इज नॉट इक्वल टू जीरो इफ आई इज इक्वल टू जे। अगर आई और जे बराबर है ए आई जे जीरो नहीं होगा। बड़ा सिंपल सी बात बताऊंगा आपको मैं, जैसे देखिएगा तीन बाय तीन का कोई मैट्रिक्स है, ये मान लीजिए आठ है, ये मान लीजिए माइनस छह है, ये मान लीजिए पांच है, यह ना प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट, और बाकी सभी एलिमेंट जीरो, बस ये हो गया आपका डायगोनल मैट्रिक्स। आप देख रहे हैं ना, ये जो प्रिंसिपल डायगोनल है इस पे एलिमेंट जीरो नहीं होने चाहिए। अब ये जो डायगोनल मैट्रिक्स है इसके भी कुछ विशेष प्रकार होते हैं, आगे देखिएगा। मैंने अभी आपको समझाया था डायगोनल मैट्रिक्स, ये वाला विकर्ण मैट्रिक्स। अब लेंगे अदिश मैट्रिक्स। अदिश मैट्रिक्स जो है नंबर छह पे, स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स एक डायगोनल मैट्रिक्स है जिसके डायगोनल एलिमेंट जो है ना प्रिंसिपल डायगोनल वो सारे जीरो तो नहीं है, जैसे इसमें नहीं है, पर सभी बराबर है पर जीरो नहीं है। हम कह सकते हैं कि ए आई जे इज नॉट इक्वल टू जीरो, बल्कि हम कहेंगे इस बार ए आई जे इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट सी इफ आई इज इक्वल टू जे, एंड ए आई जे इज इक्वल टू जीरो If I is not equal to J, वहां तो हम कहते थे जीरो नहीं है, जीरो के अलावा कुछ भी हो जाए। ये हम कह रहे हैं कि C यानी कॉन्स्टेंट, अच्छा एक बार ध्यान रखना C is not equal to zero, ये जो कॉन्स्टेंट है ना वो जीरो नहीं होना चाहिए। मैं एग्जाम्पल देता हूं, जैसे मान लीजिए ये छ है, ये भी छ है, ये प्रिंसिपल डायगोनल के दोनों एलिमेंट छह छह है ना, कॉन्स्टेंट है, दोनों सेम है, लेकिन जीरो नहीं है, इट इज स्केलर मैट्रिक्स। और बताऊ आपको मैं, माइनस नौ माइनस नौ माइनस नौ जीरो 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 जीरो, ये आपका प्रिंसिपल डायगोनल है
ऑल एलिमेंट्स आर सेम, माइनस नाइन माइनस नाइन माइनस नाइन, बाकी सभी जीरो है, ये क्या हो गया आपका स्केलर मैट्रिक्स। अब अगर स्केलर मैट्रिक्स जो है उसके सारे जो ये नॉन जीरो एलिमेंट्स है जो कि बराबर है वो सब अगर वन हो जाए तो क्या बन जाएगा, तो कहेंगे यूनिट मैट्रिक्स। अब नंबर आपका सात पे आ रहा है, यूनिट मैट्रिक्स क्या आ रहा है, यूनिट मैट्रिक्स। इसमें क्या लगेंगे ए आई जे, मैं जब भी कहता हूं ना ए आई जे मतलब वो एलिमेंट जो आई में रो और जे में कॉलम का है, और ए आई जे इक्वल टू वन है कब, अगर आई और जे बराबर है, यानी कि प्रिंसिपल डायगोनल के सारे एलिमेंट बराबर है और वन के बराबर है, एंड ए आई जे इज इक्वल टू जीरो इफ आई इज नॉट इक्वल टू जे। ये देखिएगा वन वन जीरो जीरो, इट इज यूनिट मैट्रिक्स, इसको हम आई से कहते हैं। जैसे देखिएगा वन जीरो 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 वन जीरो 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 वन, ये भी आई है, और ये दो ही ज्यादा काम आते हैं आपके, हालांकि होने को तो और भी हो सकते हैं, कहाँ दिक्कत है, लेकिन ये काम में नहीं आएंगे आपकी, कभी भी जरूरत पड़ेगी नहीं इनकी, लेकिन लिख देता हूँ एक बार में, वन जीरो 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 वन जीरो 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 वन जीरो 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 वन। अब ये दो रो दो कॉलम है, इसको हम आई टू कहते हैं, टू बाई टू नहीं कहेंगे, सिंपली आई टू, हालांकि ये टू बाई टू का है लेकिन बोलते हैं इसको आई टू है, आई टू का, आई का मतलब यूनिट मैट्रिक्स, टू का मतलब दो रो दो कॉलम, इसको आई थ्री कहेंगे। अगर कभी कोई क्वेश्चन आता है उसमें आई थ्री का वर्ड काम में आ जाए आप ये समझ लेना, ये आई फोर है, चार रो चार कॉलम, प्रिंसिपल डायगोनल के सारे एलिमेंट वन, बाकी सभी जीरो। तो ये हमारा हो गया आपके नंबर सात। अब नंबर आठ और नंबर नौ, नंबर आठ क्या लिखा मैंने इसके अंदर, ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। देखिए इसमें सिंपल सी बात आपको जो ध्यान रखनी है वो ये है कि ए आई जे बराबर जीरो और ऑल आई इज ग्रेटर देन जे, यानी कि जो पंक्ति की संख्या है ना, अगर जो पंक्ति ले रहे हैं उसका जो नंबर है पंक्ति का वो कॉलम के नंबर से ज्यादा है, जैसे पंक्ति है तीन कॉलम है दो, पंक्ति है दो कॉलम है एक, यानी कि जो पंक्ति का नंबर है वो कॉलम के नंबर से ज्यादा है तो एलिमेंट जीरो होगा, बाकी नहीं, पर ए आई से जीरो होगा। अपर क्यों का मैंने इस प्रकार का बनेगा, देखिए देखिएगा एक छोटा एग्जाम्पल लेते हैं अपन, जैसे मैंने मान लीजिए टू बाई टू का कह दिया, ए आई जे जीरो होगा ना, तो आई जे से अगर बड़ा है तो, और बाकी कोई भी जीरो इसमें नहीं होगा, जैसे मान लीजिए पांच और सात, ये हमने कह दिया आठ और ये कह दिया हमने जीरो, ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। और बताऊं आपको मैं, ये डायगोनल मेंबर है मतलब ये प्रिंसिपल डायगोनल है, यहाँ मान लीजिए नौ आठ छ, ऊपर कुछ मान लेते हैं दो सात ग्यारह, बाकी सभी आपके जीरो होंगे, यानी जो प्रिंसिपल डायगोनल है ना इस पे कोई एलिमेंट जीरो नहीं होगा, इसके ऊपर भी कोई जीरो नहीं होगा, इसके नीचे सारे जीरो होंगे, यानी समझ लो ये इस डायगोनल के ऊपर कुछ नंबर दिखेंगे बाकी नीचे जीरो है, आप जरा समझो आई इज
आई इज ग्रेटर देन जे, यानी आई जे से बड़ा है अगर, तो ही आई ए आई जे जीरो होगा। मैं छोटा एग्जाम्पल देता हूँ, ये बताइए ये जो एलिमेंट है ये वाला ये कौन सी रो में आता है? ये आता है दूसरी रो और पहला कॉलम, ये वाला। तो बताओ ये ए टू वन है कि नहीं है? ये एलिमेंट जो आप देख रहे हैं ना, ये ए टू वन है कि नहीं है? दूसरी रो पहला कॉलम, बताइए इसमें दो एक से बड़ा है कि नहीं है? भाई दो एक से बड़ा है कि नहीं है? बिल्कुल है, यानी कि आई जो है वो जे से बड़ा है, इसलिए एलिमेंट जीरो है। ये देखिए जरा ये वाला ये कौन सा एलिमेंट है? ये वाला तीसरी रो दूसरा कॉलम, ये ए थ्री टू है, ये वाला ए थ्री टू है। यहां भी तीन दो से बड़ा होता है ना, यानी कि आई जो है वो जे से बड़ा है, इसलिए जीरो है। लेकिन जैसे मान लीजिए मैं इसकी बात करता हूं, ये कौन सा एलिमेंट है? रो तो है पहली, कॉलम है तीसरा, तो ये ए वन थ्री एक नहीं है? पहली रो तीसरा कॉलम, और आप जानते हैं वन तो तीन से छोटा होता है, यानी आई जे से छोटा है, ये जीरो नहीं होगा। मैंने कहा था ए आई जे जीरो तभी होगा जब आई जे से बड़ा होगा, और अगर आई जे से बड़ा नहीं है तो जीरो नहीं होगा। इस प्रकार से ध्यान रखें, ये हो गया आपका अपर ट्रायंगुलर, और लास्ट लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसमें ट्रायंगल जो है डायगोनल के ऊपर का जो हिस्सा है उसमें जीरो होंगे, नीचे जीरो नहीं होंगे। जैसे मान लीजिए ये देखिएगा, ये टू बाई टू है ना, ये मान लो प्रिंसिपल डायगोनल है, चलो इसको मैंने पांच सात लिख दिया यहां पर, इसके इस बार आठ यहां कर दिया, वो जीरो हो गया। और एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको, ये प्रिंसिपल डायगोनल है, ये एलिमेंट मान लो वही है नौ आठ छह पहले वाले, इस बार ऊपर जीरो कर रहा हूं ध्यान देना, और नीचे जीरो कर दो सात ग्यारह, ये मान लीजिए दो है, ये मान लीजिए सात है, ये मान लीजिए ग्यारह है, ये लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स हो गया। इसमें क्या होता है कि ए आई जे इज इक्वल टू जीरो, एनी एलिमेंट इज जीरो, कब? इफ आई इज लेस देन जे, आई अगर जे से कम है, जैसे मान लीजिए हम इसकी बात करते हैं ये वाले, ये बताओ कौन सा एलिमेंट है? पहली रो दूसरा कॉलम, ए वन थ्री एक नहीं है? रो तो पहली है ना, ये पहली रो दूसरी रो तीसरी रो, रो पहली है कॉलम दूसरा है, एक तो तीन से कम होता है ना, आई तो इसमें जे से कम है, तो ये जीरो हो गया। ये देखिए वाला, ये कौन सा है? ये वाला ए, रो कौन सी है? दूसरी कॉलम तीसरा, तो टू थ्री है, दो तीन से कम होता है, यानी आई जे से कम है, इसलिए एलिमेंट जीरो है। अब आप बड़े एक इंटरेस्टिंग बात बता दूं आपको मैं, अगर हम इन दोनों मैट्रिक्स को जोड़ लें, किसको? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को जोड़ दें, क्या बन जाएगा? डायगोनल मैट्रिक्स। ध्यान देना, ये बातें मैं जो आपको बातें बता रहा हूं, आप कोई भी स्टूडेंट जो मेरे को सुन रहा है, इस वीडियो को देख रहा है, अगर मेरे वीडियोस को शुरू से आखिर देख के अच्छे से समझ के अपने नोट्स बना के करेंगे, कितना भी मुश्किल पेपर आ जाए वो कभी भी ए प्लस ग्रेड से कम नहीं लेके आएगा, क्योंकि पता नहीं क्वेश्चन कहां से कैसा बन जाए। अब आपको समझाता हूं, हम कह सकते हैं कि डायगोनल मैट्रिक्स, ये बातें किसी बुक में नहीं मिलेगी आपको, डायगोनल मैट्रिक्स इज इक्वल टू अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स प्लस लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स।
अगर मैं अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स में लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स को जोड़ दूं, हालांकि दो मैट्रिक्स को जोड़ने का मैंने अभी तक समझा नहीं आपको, अगली वीडियो होगा वो, हम दो मैट्रिक्स कैसे जोड़ेंगे, इसका क्या शर्त है, उसे बाद में बात करेंगे। लेकिन फिलहाल क्योंकि दोनों ही स्क्वायर मैट्रिक्स है, अब एक बात समझ सकते हैं, जैसे ये अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है और ये लोअर, आप इसको इसमें मत जोड़ देना। इसका ऑर्डर क्या है, इसका 2/2 है। इसका ऑर्डर क्या है, 3/3 है। इसका 2/2 है। हाँ, इसमें ये जोड़ सकते हैं। जोड़ने का काम तभी होगा जब ऑर्डर बराबर होगा। समान अगर ऑर्डर है, सेम ऑर्डर, तभी दो मैट्रिक्स को जोड़ सकते हैं। तो मुझे आशा है कि ये जो मैंने आपको आज सारे पॉइंट समझाए इस वीडियो के अंदर, ये हम कह सकते हैं कि मैट्रिक्स की शुरुआत है। हमें अगर मैट्रिक्स को समझना है तो बेसिकली पढ़ना होगा हर चीज को। बेसिकली पढ़ने से कभी भी आगे दिक्कत नहीं आती है, किसी भी तरह से समय निकालना ही होगा आपको। ठीक है, इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। इट इज ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।